चूंकि अब अंतिम चरण है, कल चुनाव प्रचार का अंतिम प्रचार का दिन है, आपने भी बहुत सारी सभाएं करी हैं, प्रथम चरण से कल जब अंतिम दिवस होगा इस प्रचार का, 400 पार की जो बात हुई थी, या हम कह सकते हैं जो एक कॉन्फिडेंस की बात हुई थी, आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने लोकसभा चुनाव प्रारंभ होते ही मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगा, ये देश को एक स्लोगन दिया। यह देश के आम जन का मंत्र बन गया। हर ओर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा, एक ही स्वर आपको सुनाई देगा, आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा, और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये केवल अचानक नहीं है, 10 वर्ष के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है हर एक क्षेत्र में, चाहे दुनिया के अंदर भारत के सम्मान की बात हो, भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का कार्य हो, भारत के अंदर विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित करने का हो, हाईवे, रेलवे, हाईवे में 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, रेलवे में नमो वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत की नई ट्रेन की मॉडर्न फैसिलिटी के साथ में, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ में जो सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं, चाहे वह इस कार्य को आगे बढ़ाने का हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का हो, एम्स हो, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, हर घर नल जैसी योजनाओं के माध्यम से विकास के जो नए मॉडल मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष के अंदर हुए, और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी जिस प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने का काम हुआ है, गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, करोड़ों गरीबों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की मुफ्त स्वास्थ्य की सेवा उपलब्ध करवाने का कार्य, किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ, हर घर में शौचालय के निर्माण का कार्य, स्वस्थ ईंधन के लिए एलपीजी के कनेक्शन 10 करोड़ से अधिक लोगों के घरों तक पहुंचाने का कार्य, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए डीबीटी और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आम जन तक शासन की योजना का सीधे पहुंच हो, इसको पहुंचाने का जो काम हुआ, विरासत भी और विकास भी, सुरक्षा भी और सम्मान भी, और सरकार की संवेदना गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देखी जा सकती है, तो स्वाभाविक रूप से ये आवाज जनता की ओर से निकली और जनता ने ही इसको एक मंत्र बना करके आज आत्मसात किया है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। सर, आजकल राहुल गांधी जो अपनी जनसभा में ज्यादातर एक हाथ में अंबेडकर की फोटो और दूसरे हाथ में संविधान की प्रति लेके चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 4 जून को खुशियां आएंगी। सर, आपकी तरफ से भी कहा गया है कि जो राम भक्त होगा वही सिंहासन पर राज करेगा, आप किस तरीके से देखते हैं विपक्ष के इसको, कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? देखिए, संविधान का सबसे ज्यादा माखोल कांग्रेस पार्टी ने और उसके इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों ने उड़ाया है, राज भी उड़ा रहे हैं। देश के अंदर स्वतंत्र भारत में अभी संविधान बना ही था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के विपरीत जाकर के तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने धारा 370 को देश के संविधान में जबरन डालने का काम किया था। देश के अंदर संविधान में जितने संशोधन किए, चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैद करने का कार्य कांग्रेस सरकार के द्वारा पहली ही सरकार में किया गया था, और 1975 को कौन नहीं जानता है, संविधान का गला घोंटने का काम इमरजेंसी के माध्यम से कांग्रेस ने ही किया, अन्य अवसरों पर भी कांग्रेस ने कार्य किए,
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बार बार इस बात को कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, संविधान सभा में भी और उसके बाद भी उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन कांग्रेस ने लगातार ये प्रयास किया कि एससी एसटी और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में से सेंध लगा करके इसमें से कुछ लाभ, कुछ हिस्सा काट करके अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर मुसलमानों को दे दिया जाए। यूपीए गवर्नमेंट के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बयान जग जाहिर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। यूपीए सरकार के समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी और जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाने की कुत्सित मंशा के साथ लाई गई थी। कांग्रेस की आंध्र प्रदेश की सरकार ने और कांग्रेस नेतृत्व की कर्नाटक की सरकार ने ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को बांटने का बंदरबांट भी किया है वहां पे। तो संविधान का सर्वाधिक मखोल कांग्रेस ने और उसके इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, चाहे वह टीएमसी हो, चाहे वह आरजेडी हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, इन्हीं लोगों ने उड़ाया है। और ये लोग लगातार आज भी यही प्रयास कर रहे हैं, इनके द्वारा यही कार्य किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने 2014-2012 के इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख किया था कि वह मुसलमानों को भी आरक्षण देगी। पीएसी में, उत्तर प्रदेश की पीएसी में 15% मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था, घोषणा भी समाजवादी पार्टी ने की थी। समाजवादी पार्टी का जगजाहिर जो चरित्र है, जगजाहिर है। आरजेडी में लालू जी पहले बोल चुके हैं कि बिहार के अंदर सभी मुसलमानों को भी आरक्षण का लाभ देंगे। टीएमसी के एक फैसले को अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरी तरह पलट करके सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है और कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। इनका कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है कि भारत के अंदर पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ लागू करने का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, माताएं बहनें मार्केट और ऑफिस नहीं जा पाएंगे, बुरका पहन करके घर में दबा रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है, मोदी जी के नेतृत्व में किया भी गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मातृवंदना योजना से लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम, देश की पहली संसद में यह अधिनियम पारित हुआ जो महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण की सुविधा देता है। और बीजेपी की घोषणा है कि देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा, ये देश पर्सनल कानून से नहीं चलेगा और सरिया कानून से भी नहीं चलेगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी हार को सुनिश्चित जान करके गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी और भारत की जनता बहुत जागरूक है। वह मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार बनाएगा और जनता की ओर से आवाज आ रही है तो कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, तो स्वाभाविक रूप से परम राम भक्त मोदी जी हैं, परम राष्ट्र भक्त मोदी जी हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और उधर हम लोग जा चुके हैं।